कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। क्या देख रहा है? घूरना तो टीवी देख। पार्डन मी के बच्चे, ओके? देखा मैंने, पहले कभी सेक्सी लेग्स नहीं देखे क्या? देखे है, तेरे सेक्सी नहीं है। थप्पड़ लगा दूंगी। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी। अब जा, जाके बाजू वाले काउंटर पे लग। इडियट। नैना? नैना तलवार। हाय आदिति। सब दूर? गुड। ये तेरी फ्रेंड है? हाय आंटी, आई एम आदिति। नैना और मैं स्कूल में एक साथ थे। लॉन्ग टाइम। हाँ चलो भैया। क्या कर रही हो आजकल? नथिंग मच। नथिंग मतलब मेडिसिन कर रही है? मेडिसिन? वाव। केएम कॉलेज मुंबई, नंबर वन स्टूडेंट है मेरी नैना। रॉकिंग यार, तुम बिल्कुल सेम हो नैना। स्कूल में भी नंबर वन थी ना आंटी? हाँ वो तो है। तुम क्या पढ़ रही हो? मैं तो आंटी आर्ट्स, मुझसे ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। थैंक गॉड आज से छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही है। आज छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? वाह, मनाली जा रही हूँ कल। ओह, फैमिली के साथ? वाह। नहीं आंटी, एक्चुअली दोस्तों के साथ। नैना तुम तो जानती हो उन्हें, बनी और अभी स्कूल से। अरे अविनाश यो माय बेस्ट फ्रेंड एंड बनी आई मीन कबीर थापड़। अरे वो लास्ट बेंच वाला लोफर। एनीवे डूड इट्स ग्रेट सीइंग यू। हां आंटी टेक इट इजी। हां इजी इजी। ओह एक्सक्यूज मी मैडम, आपके फ्रेंड का ये रह गया यहां पर। Sorry, can you repeat that? How many children do you have? दोहराऊंगी नहीं बार बार। तब से गुटकू किए जा रही है फिर आंगन। क्यों क्लास ले रही है बेचारों की? दे दे जवाब। तू नया दिखता है यहाँ। कौन लगते हैं ये तेरे? इंटर्नशिप। है? नौकरी करो इनके साथ। अच्छा। हिप्पी जैसे लगता है। नहीं नहीं बहुत बड़े लोग हैं। दुनिया भर में ट्रैवल शूज बनाते हैं। अच्छा। अर्जेंटीना से पता है? कहाँ है अर्जेंटीना? गोवा के बाद वाला स्टेशन। तू लेके जाएगा मुझे वहाँ? ऑफ कोर्स मेरी जान। चल पहले जवाब दे दे। I has two children. अभी उनके बापों के नाम मत पूछो। साहेबान कदरदान मेहरबान अधिस थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा। अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या? अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या? बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए? नैना की फ्रेंड मिली, बड़ी अजीब लड़की, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और गले में ये मोटे मोटे स्पीकर्स, जंगली, वाइल्ड। ऐसा कुछ नहीं है पापा,
तुझे ज्यादा पता है, मैं कह रही हूँ कि तेरी इस फ्रेंड का कोई फ्यूचर नहीं है। माँ, एक तो वो मेरी फ्रेंड नहीं है और सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है। हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है लाइफ में। इसे तो कोई नर्स भी नहीं बनाएगा। कम से कम वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। जवान लड़कियां ज्यादा एंजॉय करें ना तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर बाद में पछताती हैं। मैं तो ऑलरेडी पछता रही हूं। खाना तो खा ले। नहीं खाना है मुझे। ये क्या हो गया तेरे को आजकल? तंग आ चुकी हूं मां अपनी स्टूपिड लाइफ से। वो आदिति अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पे जा रही है। मैं अपने आप को एक संडे को भी छुट्टी नहीं दे सकती, इतना पढ़ना पड़ता है मुझे। ऊपर से आप लोग मेरे सर पे बैठे रहते हो। तो तुझे छुट्टी चाहिए बेटा। खाना माइक्रोवेव में होगा, तुम्हारे लिए आम ले आया हूं फ्रिज में। आप सोए क्यों नहीं अब तक? किताब पढ़ रहा था अंधेरे में। झूठ क्यों बोल रहे हो आप? मैं झूठ बोल रहा? हाँ, आप मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। सो जाया करो यार पापा। अगर वक्त पे सो जाऊंगा तो तुम्हारी शक्ल कब देखूंगा? कल सुबह तो तुम गायब हो जाओगी मनाली में। हाँ तो मनाली? अर्जुन मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड। ट्रेकिंग एक्सपीडिशन टू खिप्शी पास, 16,000 feet अबव सी लेवल, अ हाईली डॉन्टिंग एंड हाई ऑक्टेन एडवेंचर। क्यों गए थे आप मेरे कमरे में? हद है यार पापा, क्या चेक करने गए थे कि मैं ड्रग्स करता हूं कि नहीं? चिल्लाओ मत बनी। हेलो स्टेप मॉम। मैं तो कहा था तुम लोनावला जा रहे हो। ये शरबत बहुत बेकार है। लेकिन तुम तो मनाली जा रहे हो ट्रैकिंग करने। ऐसी ऊटपटांग चीजों की आदत पड़ रही है तुम्हें। आपके लिए उठपटांग होगा, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे दोस्तों के पेरेंट्स जितने पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे बचाया करो, तुम्हारे ही काम आए। मैं खुद के पैसे से जा रहा हूं उस ट्रिप पे। आपके ड्रामे की बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन आप मेरी मां नहीं है। सो प्लीज, सो कल सुबह मैं मनाली जा रहा हूं। दैट्स इट। कलर ठीक है? क्यों हमेशा लेक्चर देते रहते हो आप? मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहता हूं। इसलिए कि तुम्हारी चिंता रहती है हमें, फिक्र करते हैं तुम्हारी। जब तुम बाप बनोगे नहीं तो... बनना किसी का बाप। झूठ क्यों बोला मुझसे? पापा मैं अभी के घर जाता हूं स्लीप ओवर के लिए। आप रात भर जगे रहते हैं, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। बस मुझे टेंशन नहीं देने चल। तो क्यों जा रहे हो उस कमबख्त पहाड़ पे चढ़ने के लिए? इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? बात थैंक यू फॉर द बैग, आई लव इट। मेरे बेटे का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। आई विल।
chance for KF here to get some runs under his belt. In the air, take it. This shit, yeah. यार क्यों खिलाते हैं यार इसे? ओए! अदिति छोड़। कैसे छोड़ूं जाने मन? गुस्से में तो कितना हॉट लगता है पता है? अभी नहीं यार, अभी बहुत टेंशन चल रहा है। इतना टेंशन कि मुझे घर से पिकअप करना भूल गया। तो क्यों पिकअप करूं तुझे बार बार? क्या बच्ची है तू? हाँ? किडनैप कर लेंगे तुझे टैक्सी वाले? Don't be over smart, okay? चल अब, ट्रेन लग गई है। मुझे नहीं आना इस स्टूपिड ट्रैक पे। क्या? क्यों नहीं आना बे? कल तक तो बड़े प्लान थे पार्टी लड़कियां बढ़ाने के। इस सब के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान सीरीज नहीं मिस कर सकता मैं। लग गए। करेक्ट। इंडिया को तेरी जरूरत है भाई। चला दी। सीरियसली? ए! तुम लोग मुझे सच में छोड़ के जा रहे हो? हाँ। तुझे नहीं आना ना? माता? ऑफ कोर्स आना है यार। बट तू आएगा कैसे? पैसे तो तेरे डूब गए। तुझे कैसे पता चला? साले बुकी, बाप हूं मैं तेरा। सारा पॉकेट मनी इस मैच पे लगा दिया ना तूने? चल, यू गाइस हैव फन। अबे मधुबाला ड्रामा बनकर, मेरे सेविंग्स कब काम आएंगे? चल। नहीं बनी, तेरे मेहनत के पैसे है यार बनी, संभाल इनको। हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाते नहीं उड़ाते हैं। हम तीनों इस ट्रिप पे जा रहे हैं। आजा। चलो। वार्ड लगा देंगे हम मनाली की। हमारी फोटो छपेंगे मनाली के नोटों पे। एक भी पहाड़न को नहीं छोड़ेंगे, एक भी। Alright guys, मैं सुमित, make my trip की तरफ से आपका ट्रिप लीडर। ट्रेन 20 मिनट में निकलेगी। Alright? Okay. मीना चाहे। सबसे पहले डोंट फ्रीक आउट एंड आई एम सॉरी टू डू दिस टू यू। ए ये ले। नहीं चाहिए। हैम एंड चीज है तेरा फेवरेट, सुबह 6 बजे उठ के बनाया तेरे लिए। तू क्या पागल हो गई अदिति? खिला। हाय अंकल। हाय। ये बनी कहाँ मार गया? एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं लेट हूं पर। ए, तुम आयशा राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना, नैना तलवार गीतांजलि की कजिन, मॉडर्न स्कूल सेम बैच। ओ या स्कॉलर नैना, इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूँ मैं? लॉन्ग टाइम मैन। मैडम कैसी हो? फिलहाल बहुत लेट हूँ। सुमेर कहाँ है? सुमेर एक मिनट, तुम हमारे साथ आ रही हो? छोटा? हाँ। छोटा नहीं मैडम। तुम जानती हो ना कि ये ट्रैक है? तो नहीं पहाड़ वहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, टेंट्स में सोना पड़ेगा, भालू आएंगे। मुझे पता है ट्रैक क्या होता है। ओके ब्रो। नैना हाय। सुमित हाय। सुनो, लास्ट मिनट पे ऐसे कुछ हो नहीं सकता, एक भी बर्थ खाली नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज मैं जमीन पे सो जाऊंगी। मेरे साथ सो जाना। अरे साथ में नहीं, टर्न बाय टर्न सोएंगे। और टीसी को घुस। ओके देन ठीक है, चलो जल्दी कम ऑन। अरे मेरा बैग। कूली नहीं हूं, प्यार से बोल। कबीर प्लीज मेरा बैग उठा दो। पानी। या
अब तुम्हें भी उठाना पड़ेगा क्या? अबे चश्मिश, क्या कैलकुलेट कर रही है? चल। नैना, गणपति जी क्या करेंगे तुम्हारे बिना मनाली में? मैं पहले ऐसे अकेली कहीं नहीं गई हूं। तो अब चल, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में। चल। तू मेरा पीछा तो नहीं कर रही? शट अप अदिति, उसकी तो फैंटेसी है कि दुनिया की सारी लड़कियां उसका पीछा करें। फूल के लिए फूल याद है तुझे? टॉस करते थे हम कि टॉपर नैना के पीछे कौन बैठेगा, और अगर जो भी टॉस जीत गया ना, समझो एग्जाम में पास। सुपर भाई, नैना खाओ ना, खाओ 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 खाओ। हे गाइस, सेक्सी नाइफ है। हां है ना, है। एक सेकंड, नहीं काम नहीं है, सॉरी, बनाना लाने थे मेरे पास है। चोरी दो मुझे, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा नाम लारा बनी, यू नो लाइक बग्स बनी। ओह माय गॉड, दैट्स सो क्यूट। हाय मम्मी। हाय, तुम लोग भी मनाली ट्रैकिंग ट्रिप पे जा रहे हो? अगर तुम जा रही हो तो हम कहीं और कैसे जा सकते? और डालेंगे फलवल से क्या होगा? हाँ, लंच करें। हाँ, हमारे पास हैम एंड चीज सैंडविचेस भी है। आर यू श्योर? ओह, आई एम वेरी श्योर। पार्टनर से प्यार बढ़ता है। ओके, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाती हूँ। प्रीति, ईशा, उसके फ्रेंड्स भी है ब्रो। क्या है? तेरे बाप के सैंडविचेस है क्या? क्या हुआ? बांटने से प्यार बढ़ता है। यार, तेरे को खुश होना चाहिए अदिति। वो तीन हम तीन, एक बनी की, एक मेरी और एक तेरी। Do you like that song? हाँ? Aditi, please change the song. So boring, yeah. Ladies and bhai, Friday nahi hai, to is party mein thodi jaan dalte hain. Theek hai? Drinks. Now, meri favorite game khelte hai. It's called I Never. Ye to meri favorite game hai. No. Game, game. Chalo, bacho, game start karte hain. Topper Naina, ye. Nahi, tum log khelo. Ab bhai ho. तो खेलना पड़ेगा। चलो। एक्चुअली मैं अल्कोहल नहीं पीती। क्या? अगर शराब में नशा होता तो बोतलें ना झूमती। मतलब? कुछ नहीं। तुम ये एपी पियो। आज तुम्हें एपी पिला पिला के एकदम हैप्पी बना दे। ओके ओके, सबको गेम्स के रूल्स पता है ना? मैं एक ऐसी चीज बोलूंगी जो आई हैव नेवर डन, लाइक मैं कभी ऑटो रिक्शा में नहीं बैठी। एंड देन जिस जिसने वो चीज की है वो अपनी ड्रिंक का एक सिप लेगा। खुल? चलो, वेरी गुड, शुरू करो। ओके ओके, आई स्टार्ट। मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। रोज होता है, रोज होता है। पानी, तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं। What? मगर अब लगता है होने ही वाला है। No, please. बनी सिर्फ खुद से प्यार करता है। नैना। नहीं। ओके। मैंने कभी पोर्न फिल्म नहीं देखी। रोज। अरे नैना, तुम तो बायोलॉजी स्टूडेंट हो, फिर भी नहीं देखी?
मुझे कभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ड्रंक ड्राइविंग, वॉचमैन की पिटाई, रेव पार्टी, मैं भी थी वहाँ। सड़क पे सुसु। नहीं। ओके, माय टर्न। मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। अच्छा, उसको तो अभी चेंज कर देते हैं। गाइस, मैं सोने जा रही हूँ। ओए, अभी नहीं, अभी तुम्हारा टर्न है। नहीं प्लीज, बनी में थोड़ी देर सीट यूज कर लूं। ऑफ कोर्स, थैंक्स। ओके 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 ओके, मैंने किसी फ्रेंड के मॉम पे लाइन नहीं मारी क्योंकि ये डर की उनके बाप पे लाइन मारता है। आदि, आदि उठ, आदि हम मनाली से नहीं आए, उठ। मुझे बहुत नींद आ रही है बनी। हर किसी की जिंदगी बदलती है, इंसान की। I swear बनी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी। अरे तू बोली थी। पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को। आज जुम्मा है तो आजा, 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 आजा। जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा 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 दे। आजा। देखना कितनी सुंदर दुल्हन है यार, भगा के ले जाऊं क्या? यार सोच ना, वो कुछ कहेगी और मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, फिर मैं कुछ कहूंगा और वो बिना समझे मुस्कुराएगी। Dude, she's not French. Basic हिंदी तो आती होगी। Besides, बच्ची है वो, बेचारी को वीडियो गेम्स खेलने की उम्र में पता नहीं क्या क्या गेम्स खेलनी पड़ी। यार तुझे कैसे पता? स्मॉल टाउन्स में ना ऐसे ही होता है, स्कूल खत्म नहीं हुआ कि शादी करवा देते हैं। अरेंज मैरिज जस्ट सक डूड। तो तू क्या लव मैरिज करेगी? ऑब्वियो यार, अदिति इंडिया में अभी भी दो लड़कियां शादी नहीं कर सकती यार, तुझे अमेरिका जाना होगा। व्हाट? ओह, वो बेचारी जिंदगी भर के लिए जेल जा रही है और तुम लोग यहाँ मजाक कर रहे हो। कम ऑन यार, देखो आज कैसे स्माइल करी है। वो साल साथ रहने दो, फिर इसी दूल्हे राजा के पीछे बंदूक लेकर भागेगी। दुल्हन बनी टायन डिश क्या? ए, इसकी मत सुन, मैं ना बनी को शादी से एलर्जी है।
ऑफ कोर्स है। नैना एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज एक टाइप का खाना दूं, दाल चावल, तो तू खा पाएगी? मतलब? मतलब शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। शादी के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही झोल है, इसलिए 5-6 बार करने से अच्छा है कि शादी करो ही मत। 5-6 बार क्यों, कम है क्या? और अगर बच्चे चाहिए तो? उसका शादी से क्या लेना देना, वो तुम अभी बना सकते। चलो मंदिर के पीछे। इडियट रामी, कितने चाहिए? मुझे ट्विंस भी बनाने आते हैं। इनको बुरा लग रहा है। इतना क्या मांग रही है भगवान से? अच्छा मेरी भी लिस्ट है, एक प्राइवेट जेट, एक पेंटहाउस अपार्टमेंट न्यूयॉर्क में, और दो स्पैनिश गर्लफ्रेंड। बहने हो तो बेटर होगी, मांग। जी। ओए, हाथ क्यों लगाया? क्यों? दारू पी के छेड़ता है। अपनी शक्ल देखी है, तुझे अंधा भी ना छेड़े। अभी? बड़ी चीपो। ए, क्या हुआ? तेरा बाप, ओके? क्या? मैं भी गाली दे सकती हूँ, समझी? ए लड़की, पीछे हट। तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे पीछे हटना, चल बहन। ओए, इनो। क्या? साला बेवड़ा कहीं का। तेरी तो। सॉरी बोल। चल सॉरी बोल। सॉरी। थोड़ा ठंडा रह कर चल भाग। ठीक है? ठीक है भाई। कौन है? बढ़िया ना यार। गाइस, आओ। अरे आओ, हम लोग डरते हैं क्या? तुम लोग मेरी फ्रेंड्स को जानते नहीं, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग। रेडी भाई लोग? रेडी। एक, दो। जय माता दी। पकड़ इनको, पकड़। अरे अरे बात क्यों, पकड़ो इनको, वो भी उसके साथ है। अबे जजमेंट मार। अभी क्या कर रहे हो तुम? हटो हटो। अभी कहाँ जा रहे? मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। ये बहुत स्टूपिड आइडिया है। वेट एंड वॉच। अरे चांस मिलने दे। इतना मारूंगी कि एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। दारू! ए,
चलो कि हाथ छुपे हुए। आजा चोगो, आजा। अदिति। जल्दी 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 जल्दी। अरे नैना। अरे कहाँ मर गए थे सालों? नैना बैठ। आजा, आजा। ना बेटा ना। अभी बाकी पे बाकी। बैठ बैठ। पंडित जी करो पीछे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज से हमारी ट्रेकिंग शुरू होती है। जस्ट फॉर फन मैंने सोचा क्यों ना हम दो टीम्स बनाकर पहली कैंप साइट तक रेस करें। जिसकी टीम पहले कैंप साइट पहुंच जाएगी वो जीत जाएगा। लूजिंग टीम टेंट्स लगाएगी और खाना बनाएगी और विनिंग टीम आराम करेगी। कैप्टन्स कौन बनना चाहता है? यू गाइस कम ऑन, आ जाओ। इडियट। बनी को ट्रैकिंग में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डोंट वरी गुरबदन, रिलैक्स। चलो गुर, मेरा बदन दूध रहा है। देखो ना क्या हो गया। ओह नो बेबी, इतना बड़ा कट, हमें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। व्हाट रियली? हाँ बट यहाँ कैसे? एक सेकंड। कम कुकू। ये क्या कर रहे हो? ये है अजीनो मोटाटो प्लांट, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओह रियली? तो मेरे फेस पे भी लगा दो ना। ये लो लगाओ। बनी वो कौन है? पानी, पानी, बाहर कौन है? मेरी माँ है। ओ, मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ भी ट्रैक पे आई है। नैना, इसकी तो मैं। अरे नैना रुको तो सही, मुझे रे जीतने दो ना प्लीज। अपनी हालत देखिए, मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगी। अरे नैना तुम क्लास में वैसे भी हर चीज में फंस आती थी ना, कम से कम यहाँ तो मुझे फंसाने दो, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी ही गलती है, लड़कियों के पैर दबाने से फुर्सत मिले तब जीतोगे ना। फ्लर्टिंग कहते हो उसे? सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, यू नो लाइक योगा। सीरियसली तुम यहाँ पहाड़ चढ़ने आए हो या लड़कियाँ? अरे उस बेचारी को कितनी गहरी चोट लगी तुम्हें पता है? उससे ज्यादा बेचारी लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अरे तुम्हें लारा पसंद नहीं आती क्या? देखो उसे, कैसी परफेक्टली मटकती है उसकी कमर। टॉइंग टॉइंग टॉइंग। और भी बहुत कुछ मटकता है उसका। हाँ वो तो है। अरे नैना, अच्छा लिसन, नैना सुन ना, यू आर राइट। दो मिनट रुक प्लीज, दो मिनट सांस लेते, बैठ बैठ प्लीज दो मिनट। यू आर राइट, वो थोड़ी सिली है नो, मगर अब तुम्हारी जैसे लड़कियों से तो फ्लर्ट नहीं कर सकता ना, तो इनसे ही काम चलाना पड़ता है। मेरी जैसी लड़की मतलब? तुम्हारे जैसी लड़की फ्लर्टिंग लेनी इश्क ले बनी है, और इश्क
मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो बोल कितने पार्टी में गधे, फिरंगियों की टोली आई है और उन्होंने हम सबको बुलाया। चलो अरे तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? लेट्स गो। अरे व्हाट हुआ यार? चल अपन, कम ऑन, जस्ट कम ऑन। गुड़िया चलती है तबाही। ओह हाउ सैड, किसी ने तुम्हारे पराठे नहीं खाए? पैक कर देना। जंगल में झाड़ियों से आवाज आए ना तो कभी मुड़ा नहीं करते। सीरियसली तुम पढ़ाई कर रही हो? तुमने जिप बंद कर ली है ना, तो जा वापस पार्टी में। हाँ लेकिन तुम क्यों नहीं आ रही? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी स्टूपिड पार्टीज में। झूठ, तुम मर रही हो पार्टी में आने के लिए? नॉट एट ऑल। व्हाट? पानी मेरी बुक पानी या मेरी बुक वापस करो। पहले सच बताओ, आना चाहती हो कि नहीं? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम नहीं समझोगे, ये सब तुम्हारे लिए बहुत इजी है। क्या इजी है? अरे यही सब, ये पार्टी वार्टी करना, रोज नए नए दोस्त बनाना। तुम तो पहले से ही ऐसे हो ना, स्कूल में भी ऐसे ही थे, सबसे कूल, सबके फेवरेट। लेकिन क्या तुम्हें याद है मैं स्कूल में कैसे हुआ करती थी? मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बस कोने में चुपचाप बैठ के पढ़ती रहती थी। क्लासेस बंक करना, टीचर्स का मजाक उड़ाना, अपने दोस्तों के साथ चिल करना, ये सब मुझसे तभी नहीं हुआ और आज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बोरिंग हूं। तुम बहुत कूल हो नैना। जिस तरह तुम इस ट्रिप पर आ गई 25 अनजान लोगों के साथ अकेली, उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। गुंडों से लड़ती हो तुम, रेस में मुझसे आगे निकल जाती हो, बच्चन के गाने गाती हो, यार तुम तो फुल हिंदी फिल्म हीरो हो डूड। बस खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक ठाक हो। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा हस्ती कम हो तुम। तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है? मेरे पास दिल होता ना, तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। है ना, मेरा हाथ छोड़ने का इरादा है।
एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा अरे एक अनकहीं सी दास्ता कहने लगेगा बातें चुन लेना उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना हाँ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना कल नहीं थी जो आज लगती तो गाइज ये है खिपशी पास हमारे ट्रेक का हाईएस्ट पॉइंट आज रात हम नीचे जाके कैंप करेंगे तो अभी यू गाइज कैन रिलैक्स चिल ओके सुमर वो वहां क्या है उस पर्वत का नाम है भूटा पर्वत वहां चढ़ते हैं ना क्या सुपर भी होगा वहां से भूटा इस शब्द का मतलब जानते कोई यहां पे भूटा मतलब हॉन्टेड यहाँ के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भूटा पे कभी भैरव का मंदिर हुआ करता था जहां पूर्णिमा को जो दुआ मांगो पूरी होती थी इस बात के नशे में कई लोग वहां जाते लेकिन कोई लौट के वापस नहीं आता वो मंदिर तो कभी नहीं मिला लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात हजारों आत्माएं वहां आती हैं उस मंदिर की तलाश में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज पूर्णिमा यानी फुल मून है अब भी देखना है वहां से व्यू अगर कैंप में कोई भूत आ गया तो सुना है कि भूत लाल रंग देख के पगला जाता है पर तुमने तो नीति What happened, Baba? मैं हूँ ना मुझे भूत भगाने के सारे मंत्र आते हैं Don't worry, हाँ, इसका बाप तांत्रिक है मुझे घर जाना है पता नहीं इस stupid mountain से कब उतरेंगे हम लोग मैं तो ना उतरते ही 10 डोमिनोज के पिज्जे खाने वाला हूँ यार ये मैगी खा खा के पक गया हूँ यार पता है मैंने 3 दिन से अपने बाल भी नहीं धोए मैं तो उतरते ही एक लंबा बबल बाथ लूंगी
मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब इस अभी के खराटों से छुटकारा मिले। अबे साले तू मेरी आदत डाल ले यार, वापस जाके हमें साथ में ही तो रहना है। साथ में रहने वाले हो? यार डूड हम दोनों वापस जाके एक अपार्टमेंट रेंट करने वाले हैं। अड्डा होगा हमारा वो टीवी शो फ्रेंड्स की जैसे। एंड लारा तुम्हें जब भी बबल बाथ लेना हो ना तो जरूर आ जाना। What happened? तुम तो मेरे रूम में शिफ्ट हो जाना, मैं किंग साइज बेड का बंदोबस्त कर लूंगा। और अगर तुमने खराटे मारे तो? हाँ तो आज रात टेस्ट कर लो ना, इतनी अच्छी नींद तुम्हें लाइफ में नहीं आएगी देखना। झाड़ियों में से आवाज आए ना तो मुड़के नहीं देखते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अगर यहाँ सच में भैरव का मंदिर था तो मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। जय पानी। नहीं नहीं मैं थकता नहीं हूँ, चलो। तुम नहीं मैं थकी हूँ, चलो। दारू है क्या? क्या? प्लीज बहुत ठंड है, थोड़ी हो जाए। गूगली पे गूगली डाल रही है तू। किसी को बताना मत। बस 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 कंट्रोल, बस बस। बहुत अच्छा है, क्या है ये? लुगड़ी, चावल को सड़ा सड़ा के बनती है, मनाली की स्पेशल आइटमों से। लुगड़ी, सेब, ट्राउट मच्छी और गांजा। तुम्हें ये सब कैसे पता? ए, जितना डफर जो लगता हूं ना वो हूं नहीं। रुक, बड़े से पेनिस। लंदन, ये बुक क्या है बानी? मेरा सपना, मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूं। नैना पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सब करने में, बाकी सब कब करोगे? बाकी सब क्या, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। दत, ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनी? रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। जैसे कि ये पहाड़ चढ़ना तुम्हारे लिए शायद ये सिर्फ ट्रेकिंग हो, मेरे लिए नशा है। कुछ ज्यादा हो गया ना? ऐसी बातें अभी और आदि के साथ भी नहीं होती, तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूं? मुझे क्या पता, स्कूल में ढंग से हाय भी नहीं बोलते थे। अरे अब बोल देता हूं, हाय नैना।
हाय नैना। हाय। कैसी हो नैना? वहां उस पहाड़ के हवा में एक नशा सा था और वो नशा इश्क था। मैंने अपनी जिंदगी में पहले इतनी खुशी महसूस ही नहीं की थी। प्यार हो गया था मुझे और मैं सबको उस पहाड़ की चोटी से चिल्ला चिल्ला के ये बात बताना चाहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उसे बताना चाहती थी। पता नहीं वहां भैरव का मंदिर था कि नहीं, लेकिन फिर भी एक दुआ मांगना चाहती थी। बहुत सिंपल, इनफैक्ट सिर्फ एक शब्द, बनी।
इस रात की सुबह कभी नहीं होनी चाहिए। पानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि पानी, 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 आदि, आदिति तुम ठीक हो? या पानी, क्या ये? अबे साले, ये कैसे मिला? पड़े से भाई, तू मेरा सरप्राइज खराब कर रहा है। सरप्राइज? यार इतनी बड़ी बात तूने हमें कैसे नहीं बताई? यही तो सरप्राइज था कि मैं तुम दोनों को इस ट्रिप पर लाऊं और आखिरी रात पर बताऊं। मतलब तू जा रहा है? जर्नलिज्म प्रोग्राम, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन, शिकागो। ये स्कॉलरशिप लेटर है या तेरा? हाँ यार, मेरा। यार बनी, तू सच में जा रहा है? नहीं, मैं एनवेलोप लेके झक मार रहा हूं। तो कब निकल रहा है तू? 3 हफ्ते में। यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार मैं भी अप्लाई करता तेरे साथ। तो मतलब अपना अपार्टमेंट, दारू का अड्डा सब कैंसिल? रियली अभी क्या दारू का अड्डा चलाते हम? क्या बकवास कर रहा है यार बनी, क्या करेगा ये हमारे बिना? हाँ, 4 साल यूएस में बैठ के पागल हो जाएगा ये, भाग के वापस आ जाएगा। तू समझाना यार इसे। दीदी बनी, तुझे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कब तक चलेगा ऐसे? अब बड़े हो रहे हम और ये सब बचपना बंद करना पड़ेगा। Congratulations, Bunny. अभी मैं सबसे पहले तुझे बताना चाहता था, डैड को भी नहीं बताया मैंने अभी तक। छोड़ यार, कंग्रेचुलेशंस, तू खुश है ना यार? बस बस में बियर पीते। बदल रही है तो मेरे दोस्त खुश नहीं है ना? और पता भी नहीं डैड क्या कहेंगे। अमेरिका बहुत दूर है, अकेला हो जाऊंगा वहां। और यहां अच्छा लग रहा है लेकिन 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 मैं लेकिन तुम उड़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, और क्या था वो? गिरना भी चाहता हूं। तुम रोज दाल चावल नहीं खा सकते ना? तुम दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूं। और अमेरिका जाना मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा। जाना ही पड़ेगा नैना। जानती हूं, मिस करोगी मुझे? बिल्कुल नहीं। तुम कुछ कहने वाली थी ना? यही कि सुबह हो गई है। उससे जितना प्यार था उससे कई ज्यादा उसे अपने ख्वाबों से था।
तकलीफ हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ वापस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रही थी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती। बनी वो अपने ख्वाबों की ओर इतनी तेजी से दौड़ा कि पलक झपकते ही गायब हो गया। 8 साल बीत गए, उसने कभी मुड़के नहीं देखा और मैंने इंतजार भी नहीं किया। With another exciting episode of Traveler Weekend. I am standing in probably one of the most romantic cities in the world. Bienvenue à Paris. Shame malang si, rate surang si, bagi uran pe hi na jaane kyun ilahi mera ji aaye. सफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, 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 ओ।
What you looking at, Kabir? वक्त को गुजरते. Wow. वक्त को गुजरते. परदेश में हिंदी बोलने का मजा ही कुछ और होता है ना. पता नहीं क्यों कबीर, आज तू घर की याद ला रहा है. चल झूठी, तुझे कोई घर की याद नहीं आती. आती है, लेकिन फिर भूल जाती हूँ. Me and you are basically the same, हम जैसों का कोई ठिकाना नहीं होता है. और अब इस पंजारीपन से इश्क हो गया है हमें. इतना इश्क कि कल सैन फ्रांसिस्को लौटते ही तू हमारा शो छोड़ देगा. Am I right or am I right? रिया, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है. सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते. Any idea what you'll do? Plan क्या है? Well, plan ये है कि कोई plan नहीं है. कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा, वरना तेरे जैसे किसी को फंसा लूँगा. Wait. Channel एक नया show करना चाहता है for the European market. It's kind of a reality travel show जिसमें हमारा host world की कुछ famous cities में 3-3 महीने रहेगा और हम उसके experiences को record करेंगे. And the lineup for the first year, we start in Paris, then Tokyo, then Istanbul, and we end in Berlin. Okay, so you want me to shoot this show? No. This show ko host kar. Balls. You're perfect, man. You're smart, you're confident, you're jitna haram hai, teri shakal utni sharif hai. Listen, jokes apart. Travel is your life. Trust me, you're perfect. क्या सोच रहा है कबीर? Say yes, babe. Trust me. Yes. When you. Yes. Yes. Say it again. Yes. Say it again. Are you serious? I can't hear you. Yes. I can't hear you. Je voudrais parler avec toi. Tes parfums, tes mes voyages. Apporte-toi l'eau. तुझे सरप्राइज करने का प्लान फेल. बट कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है. कैसी लग रही हो? लंबे लंबे बाल, फ्रेंच मैनिक्योर, लेडीज ज्वेलरी, हंस मत कमीने. मैं तुझे ये वीडियो इसीलिए भेज रही हूँ सेक्सी कपड़ों में कि तू साले मुझे थोड़ा सा मिस करे और मेरी शादी पे आ जाए. हाँ यार, मैं शादी कर रही हूँ अदिति और पूरे तामझाम के साथ. उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग 20th to 25th December. यकीन नहीं हो रहा है? मुझे भी नहीं. देख, मुझे पता है कि तू बहुत बिजी है, तेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, तू बड़ा कूल है, तुझे इंडिया आना पसंद नहीं है, बट प्लीज आ जाओ. मैं पागल हो रही हूँ यहाँ. क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना हम. चलो, लव यू, बाय. मुझे ऑलमोस्ट लगा कि तू नहीं आएगा. मुझे भी, लेकिन तेरी शादी कैसे मिस करता. जिंदगी भर सड़ती मुझसे. कैसा है तू? कैसी लग रहा हूं? तेरी बार डील का क्या हुआ? जो हमेशा होता है,
डूब गई। ये इन्वेस्टर्स ने कहा कि वो और नुकसान नहीं सह सकते। यार अगर हम उस बार को थोड़ा रेनोवेट कर सके ना। नहीं कोई नहीं। क्या कोई नहीं, कितने का खर्चा है? 200 करोड़ है तेरे पास? होते ना तो तुझे अभी दे देती। मैंने अपने सगे बाप से पैसे नहीं लिए, तुझसे क्या लूंगा अब? ये क्यों? क्या? क्योंकि उसने दिए ही नहीं। कहता है मुझे पैसा देना दरिया में फेंकना बराबर है। 8 बजे हैं अभी, कितनी दारू पिएगा? मत पीना। तो ये शादी मत करना दीदी। फिर वही बकवास। तुझे दिखा क्या इस चोमू में? तरन, तरन नाम है उसका। थोड़ा ऑफ है वो। बिल्कुल नहीं। तरन, तरन, तरन। हाय, हाय दीदी। You're looking beautiful. क्या कर रहे हो? वो मेरी एंगेजमेंट रिंग पूल में गिर गई, मैं उसे बचा रहा हूँ। Baby, just get out. कोई और निकाल देगा रिंग। नहीं अदिति, मैं हमारी रिंग को डूबने नहीं दूंगा। अदिति, ये बच्चा गया, फ्लोट फेंकूं? मिल गई रिंग। अभी आ जा। अभी? अदिति, अभी आ गया। So happy you came, यार। चलो हम लेट हो जाएंगे। अभी मैंने कहा था कि अभी आने वाला है ना, आ गया। May you have many fat children. अब आपको अदिति की स्टोरी, अदिति की बेस्ट फ्रेंड नैना बताएगी। Over to you, नैना। तो एक दिन आदिति रैंडमली सेड में लड़का देखने जा रही हूँ। आई वॉज लाइक वॉट, तू अरेंज मैरिज करेगी? बोर हो रही हूँ शी सेड। कोई इंजीनियर टाइप का है, एंटरटेनमेंट हो जाएगी। इस बात को एक महीना भी नहीं हुआ और आदिति का फोन आया। मैं शादी कर रही हूँ, लड़का कौन है? वही इंजीनियर। यू नो, कुछ साल पहले आदिति और मैं एक ट्रेक पे गए थे। वापस आने के बाद मुझे नहीं लगा कि हम टच में रहेंगे, और अचानक एक रात मेरा फोन बजा। दरवाजा खोलो एंड देयर शी वाज, आदिति, हाथ में बियर और पॉकेट में सिगरेट लिए। उसने रॉक म्यूजिक सुना, मैं ईयरप्लग्स लगा के सो गई। ऐसे हुई हमारी दोस्ती। यू नो, मैंने सब देखा है, इसकी जिद, इसका पागलपन, इसका लेदर जैकेट वाला फेस, इसका आई एम अ पेंटर फेस, अरे मैं हूँ आर्टिस्ट, इसका हेयर कलर फेस, पिंक, पर्पल, येलो। बट यू नो आदिति, जितनी झल्ली और जंगली लड़की है ना, उतनी खूबसूरत और भरोसेमंद दोस्त भी। आई लव यू आदिति, आई एम गोना मिस यू। कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा? तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। चमेली देखी चिकना कमीना, देखा चांदनी चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात मूढ़ी भात
साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। ढिमका वाला ना देखा सिंका सिंगा लखा के शेर का गुरा ना देखा पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। ए बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड राय के पहाड़ पर तीन फुटा लीली फुट मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के बनवे से खुद को मोड़ना जानना कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना। पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। तेरे लिए क्या लाई? हे अभी कहा था ना मैंने शौक से मर जाएगा। तुम दोनों को क्या लगा मैं इसकी आत्महत्या मिस कर दूंगा? ओए लगा नहीं यकीन था। व्हाट अ सरप्राइज मैन व्हाट अ सरप्राइज। ड्रिंक पिएगा? श्योर। कॉकटेल पार्टी पे क्यों नहीं आया मैं? अरे इसके प्रेम पुजारी ने मेरा इकलौता सूट बिगाड़ दिया। वैसे आइटम है कौन आदि? अरे सॉलिड नोट पार्टी है। शक्ल थोड़ी चोमू है लेकिन BMW चलाता है। शट अप अभी। तरन बहुत इंटेलिजेंट और स्वीट है बनी और मुझसे बहुत प्यार करता है। बेसिकली पालतू कुत्ता है वो। ए भाई तेरा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? फैंटास्टिक है। तो बनी कितने दिन का ट्रिप है? तेरी शादी की रात को ही निकल जाऊंगा सीधे पेरिस जा रहा हूँ। पेरिस? लल्ला वहाँ क्या हो रहा है? ये कमाल का ऑफर है यार। तेरी लाइफ तो हमेशा कमाल ही रही है। शिकागो में नहीं रहता तू आजकल? अबे शिकागो एकदम स्टार्टिंग में था, उसके बाद न्यूयॉर्क, फिर हवाई, देन बैक टू। इतना घूमता रहता है ना मैं कंफ्यूज हो गया। जब हमारी आखिरी बार बात हुई तो तू बॉस्टन में था शायद। LA. Yes. Right. जब तेरी डैड, कैसे भूल सकती हूँ? I'm really sorry, Bunny. अंकल सडनली ऐसे सुनकर बहुत बुरा लगा था।
चलो मैं शावर लेके आता हूं। तू घर नहीं जाएगा? नहीं, इस बार नहीं हो पाएगा। Come on guys, आज रात कुछ करते हैं। I mean, हम तीनों फिर से एक साथ बिल्कुल पहले की तरह। क्या पहले की तरह यार अदिति, हमारी शक्लों के अलावा बाकी सब कुछ बदल गया है। दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता अभी। बराबर, लेकिन तू और मैं अब दोस्त नहीं है बनी। चीयर्स मैम। ठंडा यार। पानी है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। शादी हो गई क्या? क्या नहीं तो? और बच्चे? हाँ, तीन। बेहुदा औरत। क्यों पूछ रहे हो? सोच रहा हूँ कि संभालू या बिंदास फ्लर्ट करूँ। फ्लर्ट करना जरूरी है। ऑफ कोर्स, अरे सेहत के लिए अच्छा होता है, यू नो लाइक योगा। याद है मुझे, तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसी सितम? इश, क्या फिल्मी लाइन मारी है। ये अब सब तुम्हें फिल्मी लग रहा है बेबी डॉल। एक जमाने में इन्हीं लाइनों पे मरा करती थी तुम। मैं तुम पे मरती थी? प्लीज। तुम बिल्कुल नहीं बदले बनी, सिवाय एक बात के। क्या? पुराना बनी ना खुल के फ्लर्ट करने के साथ साथ खुल के मुस्कुरा भी लेता था। पानी कैसे लग रहा है? ठीक। मैंने कहा था ना, कुछ वक्त तो सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। मिस्टर शर्मा को फोन करो और जाके उनको रिसेप्शन से उठाओ, वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अब नैना फोन। ओ, 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 ओ
यंग मैन। हेलो अंकल। कम कम कम। अबे तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? What a great hand. Cheers, cheers. एक लड़की को देखा इडियट। चलो गाजर। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली उजली किरण किरण क्या कर रहे हो बनी मेरा बनी बनी चक्कर चल रहा है तेरा? बिल्कुल नहीं यार, तू लाइन मार रहा है तेरे पे, पता नहीं। आ, कम ऑन आ नैना। शट अप या बनी। है कौन है बंदा? तुमसे क्या मतलब? हाँ चुप चुप के तेरे फोटो ले रहा है साला, मतलब यही कहीं है ना? तुमने मेरे मैसेजेस क्यों पढ़े बनी? पढ़े नहीं नैना, तेरे आशिक को मैसेज करके लेक साइड पे बुलाया। बनी नया नया या तुम लोग ने डॉक्टर डॉक्टर खेल लिया है? छुपा के क्यों रखा है? बनी यार कहना है क्या? बनी बनी थक गए बनी? नहीं तो मैं थकता नहीं हूँ। नैना तुम कहाँ? You know, I was like ढूंढ रहा था तुम्हें like everywhere. Hi. ये भी तुझे like everywhere ढूंढ रही थी Dev? Say what? कुछ नहीं, ये ले, खेल खेल, खेल बेटा. नैना, Mrs. Goswami, उनके earrings खो गए. Dev. Comment ça va aujourd'hui, mademoiselle? Comment ça va aujourd'hui, mademoiselle? Aujourd'hui. French में इसका मतलब है कैसी हो आज तुम? वैसे बड़ी fresh लग रही हो, नैना. ये time pass बंद करो. मुझे एक बहुत बड़ी problem solve करनी है. Actually, तुम्हें. तुम इस balcony में कूद जाओ. मैं सर्कस नहीं चलाता अमेरिका में. डर लग रहा है? ईगो हर्ट मत कर. ये माता दी। अब सुनो, धीरे से वो रूम में देखो और बताओ मुझे क्या हो रहा है. तू इतनी वल्गर कब से हो गई? अरे अपनी भाभी तरन है अंदर. क्या करे वो? पता नहीं कुछ भरतनाट्यम टाइप कर रहा है. पर मैं क्या कर रहा हूँ यार? तुम चेक कर रही हो कि उनका डांस कैसा है? किनका? लड़के वालों का डफर. हमें हमेशा दुश्मन टीम की ताकत का अंदाजा होना चाहिए. अबे बॉर्डर के सनी देओल, ये संगीत है वो नचबुली नहीं. और वैसे भी मैं चीटिंग नहीं करता. अबे ढोंगी, अगर तू चीटिंग नहीं करता ना तो आज तक फोर्थ स्टैंडर्ड में ही होता. इतना अच्छा है क्या? एक सेकंड है ना? क्या क्या हुआ? कोई लड़की भी है. लंदन वाली कजिन होगी, सुना है बहुत खतरनाक डांसर है. इसकी माँ का लारा? बहुत शौक थे ना शादी करने के. करो करो. बनी अभी नहीं. मेरा ब्लाउज. ओए ये मेरा टीवी शो है.
वाओ, ये वेनिस कैसी जगह है? फेल, यूरोप का धरावी है। रियली? मैं वहां अपने हनीमून के लिए जा रही हूँ। क्यों? अरे तरुण को ऐसी हिस्टोरिक जगहों पे जाने का बहुत शौक है। ठीक है यार, मजा ही आएगा। सब बकवास है, पकने वाली है तू। चुप कर अभी। अभी भी दो दिन बाकी है, भाग ले। चेंज क्यों किया? मेरा टीवी शो चल रहा था। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अभी वापस लगा। तेरा ही शो है ना, कितनी बार देखेगा? तुझे दिखाना चाहता हूं। नहीं देखना है मेरे को। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? तेरा प्रॉब्लम क्या है अभी? तुझे पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। ये सब ढोंग बंद कर यार बनी। 8 साल में एक बार आया तू हमसे मिलने, मुश्किल से 10 फोन किए होंगे तूने, चल 20, और पूछ रहा मेरा प्रॉब्लम क्या है? यार तू कौन सा रोज फोन करता था? बहुत किए यार, लेकिन बिना मतलब की घंटी बजा रहा था मैं। तू भूल गया हमें बनी? भाई समझ, बहुत उलझा था मैं वहां, नई जगह नए नए शहर। यार मुझे अपनी लाइफ बनानी थी, अपना करियर बनाना था, मेरे सपने पूरे करने थे। यार तेरे सपने, तेरी लाइफ, तेरे प्रॉब्लम्स, तेरे बहाने, सब कुछ तेरा, मेरा क्या बनी? पता क्या है तुझे मेरे बारे में? हाँ, मेरी लाइफ, मेरे सपने, मेरे हालात। यार अभी थोड़ा चिल कर, अदिति को देख, हमारी भी कोई रोज बात नहीं होती थी, लेकिन वो तो सड़ नहीं रही ना मुझे। वो इसलिए है क्योंकि अदिति को तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है बनी। उसे तो लगा कि तू उसके शादी पे भी नहीं आएगा, और कैसे ना लगता, तू तो अपने सगे बाप के मैयत तक पे नहीं आया। सुन, अदिति सही है, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। मैं सही हूं। कैसा? खुदगर्ज, बेशरम, थोड़ी दुनिया क्या देख ली बनी, दिमाग खराब हो गया है तेरा। अबे कम से कम मैं तेरे जैसे तो नहीं हूं, बेवड़ा जुआरी और बात। अबे मर जाऊंगा, स्कूल लेना क्या तेरा? ये ले, तकिए संभाल। अरे बनी साला चीटर। अबे मर जाए तो हैंड टू हैंड फाइट करना। दीदी क्या कड़क लग रही है यार तू? मेरी शादी हो रही है गाइस, और मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। ये सब नाटक बंद करो और एक दूसरे से माफी मांगो अभी। सॉरी, इट्स ओके। ये साला सॉरी नहीं बोल रहा है बनी। सॉरी करण, अर्जुन गले मिलो, चलो। एक मिनट, मैं भी आई। तू थोड़ा ट्राई कर ले। ए मौसी जी, ये ना थोड़ा। मैं नहीं पीती। अरे एक ही इंसान से एक ही झूठ कितनी बार बोलेगी, ये ले। All the best. You? You? क्या सही फॉल्टी पीस है ना? And now, भाई
खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लेट मी फोकस. सूरज हो चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा. And open opening position, opening position and smile, smile. Interact audience की आंखों में देखो. भाई. सब ठीक? Hi. Yeah. I just hope कि अदिति को मेरा dance पसंद आए. सब ठीक हो जाएगा ना? तुझे AIDS नहीं है. Funny. Thanks यार हमारी शादी पे आने में. You know, it really means a lot to me, to Aditi, our family. Ye le. Nahi, I just... Le le, isse sab theek ho jata hai. Chal, pil. Abhi. था? नहीं, ये बकवास नहीं, ये माइंड ब्लोइंग है. I know, genius. अब मेरा बोले जुड़िया कौन देखेगा? करण जौहर. I really wanted to be the best, you know. तुझे धमाकेदार डांस करना है ना, मैं करवाता हूं. तुम क्या कर लोगे? ये? तू जानती नहीं मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड इंसान हूं. तू बस घाघरा टाइट कर ले, कहीं घेर वेर ना रहे. चल स्टेज पे आग लगाते हैं. And now next, sabki pasand, the gorgeous. Nena? तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के. तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के. तेरी अक्ल का इशारा मुझे फ्रॉड लगे.
घर वालों को भी बाय बाय बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तू 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 कर जाओ लोगों पानी हूँ 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 तू तेरे ते में तो फ्लैट नहीं सुन 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 आईज तुझ पे डाली तो दिल मारे ताली कुड़िये की नो तैटी तो इश्क में देखो बदतमीज हो गया बिना बात के ही मुझ पे ये फ्रीज हो गया रिफ्यूज किया सौ बारी फिर भी करना चाहिए यारी पैशन तेरे लिए मेरा इनक्रीज हो गया तू ही डे लगे मुझे मेरी नाइट लगे मुझे फ्यूचर मेरा तेरे संग ब्राइट लगे तुझसे भी ज्यादा सोना कोई हैंडसम मुंडा होना लगे चले जाऊंगा मैं तो यहाँ झंडे गाड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के चल मेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के घर वालों को भी बाय बाय बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के ना? अबे कितना सोई है यार हमारे पास आज का ही दिन है उदयपुर देखते हैं चल जल्दी कर तो ऐसी है यार तुम्हारी लाइफ तुमने तो ऐसे बहुत कुछ देखा होगा ना तू सोच भी नहीं सकती आई लव माई लाइफ नैना मैं कभी तुम लोगों की तरह जी ही नहीं सकता तुम लोगों की तरह मतलब मतलब एक ही शहर के एक ही घर के एक ही कमरे में तू अपनी पूरी लाइफ निकाल देगी सोच के डर नहीं लगता बिल्कुल नहीं ये लाइफ चूज की है मैंने और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी तरह जीने में लाइक अ ब्लडी हिप्पी तू ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी है बेबी तुझे क्या पता कि अलग अलग देशों में रहने का नशा क्या होता है और तुम्हें क्या पता कि अपनों के साथ रहना क्या होता है तू जानती नहीं कि किसी अनजान फैमिली के साथ बैठ के उनकी लाइफ स्टोरी सुनना क्या होता है और तुम जानते नहीं कि अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठ के वही पुराने किस्से दोहराना क्या होता है किसी दिन तुझे सैन फ्रांसिस्को में ना मैं अपना फेवरेट मटन बर्गर खिलाऊंगा तू पागल हो जाएगी किसी दिन मैं तुम्हें अपने हाथ की मटन बिरयानी खिलाऊंगी तुम बर्गर भूल जाओगे तूने पेरिस नहीं देखा है ना तुमने कभी एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखा नहीं लेकिन मेरे पेरिस की कई गलियों में बच्चे हैं जी प्या जोहान्सबर्ग वर्ल्ड कप आंद्रेज इनिएस्टा का विनिंग गोल वांकडे महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग छक्का कैलिफोर्निया की धूप बंबई की बारिश ब्लूबेरी चीज केक गाजर का हलवा ब्रॉडवे पे फैंटम ऑफ द ओपेरा मराठा मंदिर में डीडीएलजे विथ पॉपकॉर्न एक्चुअली हाँ यार तू एक दिन दो बच्चे की माँ बन जाएगी मोटी सी और मैं तब भी हॉट और फिट लगूंगा दो नहीं छह और जब हम मेरे बड़े से ड्राइंग रूम में बैठ के हैरी पॉटर पार्ट 20 देख रहे होंगे ना तुम किसी अफ्रीकन गांव में बैठ के अपने खुद के जूते सी रहे होंगे
तू राइट नहीं है नैना, बस मुझसे बहुत अलग है। जानती हूं। ओए, तुझे सच्ची 6 बजे चाहिए? चल एक आध का नाम बनी रख लेना प्लीज। अच्छा और ये बच्चे सब एक ही हस्बैंड से या मैं कुछ मदद करूं? जी या बनी। अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल। सच अ डॉग। क्या चेक इन हो गया? अच्छा उनका ख्याल रखना। ओके बाय। चलो जल्दी नहीं तो लाइट और साउंड शो मिस हो जाएगा। मैं थक गई हूँ बनी, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ लेकिन जब सब देख लेंगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चल तुम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते? हाँ कर सकता हूँ, ये देख सिर्फ इतना बाकी। अबे अब नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप। और अगर हमें बाद में पता चला कि वो लाइट और साउंड शो सॉलिड ढांसू निकला तो? वो तो होगा ही ढांसू, लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तू जहां है वहीं का मजा लेते ना। तीन साल पहले मैं ट्रेक अमेरिका नाम की एक कंपनी में काम कर रहा था। 24 कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके ट्रेक पे गया था मैं। 8 दिन बाद पहाड़ों से लौटा, तब जाके मोबाइल फोन फिर से चलने लगा। 155 वॉइस मैसेजेस आए थे, मेरी फैमिली, अभी अदिति, पापा गुजर चुके थे, वो मंडे को गुजरे, मुझे सैटरडे को पता चला। उनका क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका था, 1 महीने से बात नहीं हुई थी हमारी, 3 साल से मैं मिला नहीं था उन्हें। कहते रहते थे कि मिलने आ जा, मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मत पढ़ तू इसमें, तू खेल चुका। Well, good end. Thank you everyone. Hard luck bro. See you later. क्या अबे मेरी गलती है? सॉक्स है क्या? तुझे क्या लगा लास्ट वीक से ये डबल जैकपॉट लगने वाला है? मैं खेल रहा था ना अपना। ठीक है ना यार, हो गया। तू सुनता क्यों नहीं है कभी? तेरी मेहनत के पैसे हैं,
वेस्ट मत कर। हाथ का मैल होता है पैसा। सबकी किस्मत में नहीं होता ये मैल। वो पूछा ये ले। डबल जैकपॉट, लास वेगास, कैसीनो वाला एपिसोड जिसमें उसने स्लॉट मशीन में कुछ $20 डाले और 20,000 जीती। क्या सही हॉट है तेरी वो होस्ट? तूने मेरा शो देखा है अभी? क्या 40 एपिसोड किए तुम लोगों ने अब तक? सारे देखे? मेरा नाटक क्यों कर रहा था? तेरा शो है बनी, कैसे नहीं देखता? अभी मेरी बात सुने। तेरे बार के बारे में मुझे पता चला। देख, पूरा टाइम सबका आता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू ले ले भाई और अपना बार बचा ले। बहुत बड़ा अमाउंट है बनी। कितना? 25 लाख। डन। साले अपने डॉलर से मुझे खरीद रहा है? इतनी सस्ती नहीं है मेरी दोस्ती। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए बनी, समझा? तो फिर क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए? अभी ये ले, दारू पी मेरे साथ। क्यों करिए तू ये शादी? देखा मैंने, तू जरा अभी से बात क्या करने लगी? जलन हो गई उसे? तू शोर है ना इसके बारे में? बनी, मैं वहां अभी से बात करने नहीं, उसे थप्पड़ लगाने गई थी। 2 दिन में 2 लाख रुपए का बिल है उसका, 1 लाख दारू और 1 लाख पोकर, जो तरन अभी चुका के आया है। वो जल नहीं रहा था, मुझे अवी के इंसल्ट करने से रोक रहा था। तो तू अब अवी से प्यार नहीं करती? तुझे पता था? सबको पता था सिवाय उस डफर अवी के। हाँ यार, करती थी। बट यू नो, उस रिलेशनशिप में अवी था ही नहीं, सिर्फ मैं थी अकेली। यू नो, तरन के साथ कैसे समझाऊं? यू नो, इट्स लाइक तरन के पहले मैं ठीक ही थी, सब ठीक था, लेकिन उससे मिलकर रियलाइज हुआ कि मैं खुश भी हो सकती हूँ। सिंपल है, कुछ लोगों के साथ सिर्फ वक्त बिताने से सब कुछ सही हो जाता है।
कैब. तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ. ये शाम मुस्तानी मधोश किया जाए. हाय. आप कुछ ढूंढ रहे? कौन है ये? विक्रम है, शादी शूट करने आया है. और नैना से मिलने. तुम यहां क्यों बैठी हो? आप है कौन? तू जा. पानी? एक्सक्यूज मी. मैंने कहा तू प्लीज जा. पानी स्टॉप इट. आप बहुत बदतमीज हैं. देख, ये ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तेरी यहां कोई जरूरत नहीं. शायद आपने ज्यादा पी लिया. मुझे नैना ने बुलाया. मैं नैना का बॉयफ्रेंड हूं. चल. गाइस स्टॉप इट, स्टॉप इट, पानी स्टॉप इट, कम ऑन यार. विक्रम, मुझे 5 मिनट दो, मैं आती हूँ. ओके, थैंक यू. तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो. तो वो है क्या? तुम्हें हो क्या गया है पानी? जाओ जाके उसे सॉरी बोलो. मुंह ना तोड़ दो साले का. तुम पागल हो गए हो पानी. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. हाँ क्या? वो चीप गाना तुझे इसी ने भेजा था ना, उस खजूर डेव ने? नहीं. हाँ बानी, मुझे वो मैसेजेस विक्रम ने भेजे थे. तू प्यार करती है इसे? तू प्यार करती है इसे? तुमसे क्या मतलब? मतलब है मुझे लगा कि तुम दारू से मेरे साथ पीती हो. तुम कहना क्या चाहते हो बानी? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस विक्रम को यहाँ से भेज दो. क्यों? कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सारा वक्त मेरे साथ बिताओ. पानी, मैं यहाँ विक्रम के साथ इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और वक्त नहीं बिता सकती. वो दोस्त है मेरा. तो वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं बानी, नहीं. तुम ये तमाशा बंद करो प्लीज. तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से. और तुम्हें नहीं होगा फिर से. बनाया गया है मेरे लिए. तू अब
पहले सितारों में बस रही थी कहीं। विक्रम चला गया। आई लव यू। सच? आई लव यू। आई लव यू टू। ऐसा है कि आई लव यू सिर्फ शुरुआत होती है, फिर क्या होता है बनी? क्या होता है नैना? फिर वो दो लोग उन तीन शब्दों को संभाल नहीं पाते। इसके बारे में बात नहीं करेंगे पनी, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं प्लीज। नो पनी, मैं सिंपल लड़की हूं और सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूं। तुम गलत नहीं हो, बस मुझसे बहुत अलग हो। छोड़ो मुझे प्लीज। नहीं छोड़ सकता। तो फिर मत जाओ पेरिस, मत लो ये जॉब जिसके लिए तुम सालों से मर रहे थे, मत करो ट्रैवल, क्योंकि मैं नहीं चल सकती ना तुम्हारे साथ। मॉम डैड क्लिनिक सब यहां है ना, क्या करें? अच्छा चलो, तुम्हें साल में दो बार मुझसे मिलने आना पड़ेगा, और वहां पेरिस में कोई चक्कर वक्कर नहीं चाहिए, और फिर कुछ साल बाद तुम यहां सेटल हो जाना। नैना मैं जानती हूं बनी, समझती हूं मैं तुम्हें, पता है तुम्हारे सपने क्या है, कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, इसलिए हमें इसे एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। भाई अच्छा नैना, ये यहां अच्छा लग रहा है, इसलिए जाना पड़ेगा। 5 मिनट बनी प्लीज, 1 सेकंड, 1 सेकंड। कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ, कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। अरे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। पूर्वाई रत्ता देखे दूधों की मलाई, वही
मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। टूट चार पाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे है। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। कैसे तेरी खुदगर्जी लब नमक रमे ना मिसरी। कैसी तेरी खुदगर्जी तुझे प्रीत पुरानी बिसरी। मस्त माला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर। बुझ के यू अंदर ही अंदर क्यों रहेगा रे कभी। तुझको पुकारे तेरी परछाइया रे कबीरा मान जा। रे फकीरा मान जा। कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। पापा हमें निकलना चाहिए। आई नो ये ले लो भाई। पापा आपने ऑलरेडी बहुत पैसे दिए मुझे, ये आप रख लो काम आएंगे। बाप कौन है रख लो और संभाल के रखो। आप रो रहे थे तुमसे छुटकारा भी मिल रहा है। आई मिस यू यार। यार तो सोना हो जाएगा तेरे बगैर। एनीवे वी हैव टू गो। चलो आप खुश नहीं हो क्या पाप? खुश हूं भाई मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता।
तो आप कहना क्या चाहते हो पापा, कि मैं अमेरिका नहीं जाऊं? मेरे चाहने से कोई फर्क पड़ता है? तुमने कभी कोई बात मेरी मानी है? फर्क पड़ता है? अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं तो पहले कह देते। आप भी कह सकते हो। तो मत जाओ। ओके। तुम ये कर सकते हो मेरे लिए? हाँ। तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। अब सुनो, जहां तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भागते मैंने वक्त की इज्जत नहीं की और पापा चले गए। काश मैं बता पाता उन्हें कि मैं कितना प्यार करता हूं उनसे। बनी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा को इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी किसने दी? ना मैंने, ना तुम्हारी मां ने, ना उनके काम ने, बल्कि सिर्फ तुमने। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी। वो जानते थे अपनी मर्जी से जीने की कीमत क्या होती है, और उन्हें गर्व था इस बात का कि तुम में वो कीमत देने की हिम्मत थी। अगर तुम अपने पापा को बताना चाहते हो कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तो बस वही करो जो आज तक करते आए हो। लिव योर ड्रीम, अपने दिल की सुनो। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। सिवाय इस शरबत के बहुत बुरा है। सुनो ना, जिंदगी ने लिखा है ताजा शेर सुबह पे। सुनो, ये मेरा पहला हनीमून। मैं न्यू ईयर्स डे तुम्हारे साथ बादलों में गुजारना चाहता हूँ। एक और साल खत्म हो रहा है और उसके साथ ये बार भी, तो नए साल और नई शुरुआतों के लिए ऑल द बेस्ट। चीयर्स। आके एक जगह पे सुनो ना। हाय, पकड़। मियां क्या कर रहे हो? तेरे साथ न्यू ईयर मनाने हैं।
पेरिस कैंसल क्यों रिस्क नहीं लेना था बाप तुझे कोई और पटा लेता तो सीरियसली तुम नहीं जा रहे हो ना बोल दिया उनको तुझे हाँ जो बोलना था डेटिंग थोड़ी रोमांटिक है अरे अंधेरे से डर लगता है क्या आई लव यू चल इसी बात पे केक खा ये जॉब तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था ना था लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है और आज इसका है शादी करेगी मुझसे तुम पागल हो गए ये नकली है लेकिन मेरा प्यार असली है बेबी सॉरी यार टाइम नहीं रहा नैना पानी तुम भाग जाओगे तो तू वापस ले आना मतलब तुम सच में भाग जाओगे अरे कहीं नहीं जाऊंगा यार एक बार ट्राई तो कर ले ट्राई शादी ट्राई नहीं होती एक बार कर ली तो दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई बोल मंजूर है धरा क्यों रही है ऑलरेडी डर गए ये तुम्हारी बस की बात ही नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ बनी शादी करेगी या नहीं क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी क्योंकि फंसा लिया है तूने मुझे वार्ड लगा दिया तूने मेरी मैं अभी वही सपने देख रहा हूँ लेकिन दो टिकट पे दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूं लेकिन तेरा हाथ पकड़ कर देखना ना वक्त किसके लिए नहीं रुकता बीता वक्त है लेकिन खर्च हम होते हैं और इसके पहले कि मैं पूरा खर्च हो जाऊं तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं मैं तेरे साथ खुश हूं नैना अपने माइंड में ऑलरेडी शादी कर चुका हूं तुझसे तू भी कर ले मुझसे लंबी स्पीच दी ताली तो बजा दे कुछ तो बोल लेना शिट क्या हुआ बेबी तुम्हारा फोन दो मेरी बैटरी डेड है Hi, you've reached Aditi and I'm not available right now, so leave me a message. Hello? क्या बे भोड़े कहाँ पीके बैठा है पानी कुत्ते कहाँ है तू अरे क्या बताऊँ Hi, बाबू Hey, where are you? भाई बहुत लंबी कहानी है hey, किसके साथ है तू बताती हूँ ए, तेरे पीछे वो आइटम कौन है अपनी चश्मिश बानी आदि बानी अदिति अभी अब, रुक स्पीकर फोन लगा रहा रुक अभी आदि से बात कर अदिति अभी अदिति यार मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ यार कहाँ है तू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार मैं तो बाहर में हूँ अदिति मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार शुश 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 कर ओ नैना ओ नैना ओ माय गॉड ओके बनी तुम दोनों कहाँ हो मेरे घर साले बनी मतलब तू यही है ओ माय गॉड मुझे पता था तुम दोनों का सीन चल रहा था अरे ड्रामे बाज हरामे आई एम गोना किल यू व्हेन आई गेट बैक या तो मैंने बहुत दारू पी ली है या तुम सब पागल हो गए अच्छा भाई लोग सब समझाऊंगा लेकिन अभी सिर्फ 5 सेकंड बाकी न्यूज के लिए सो 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर आई लव यू आदिति
दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा अरे एक अनकहीं सी दास्ता कहने लगे हुआ